इस संसार में इसको रंग भरा संसार बोलते हैं। जो रंग भरा गया है प्रकृति के अंदर, पूरी की पूरी प्रकृति, पेड़ पौधों के अंदर, जीवों के अंदर, और पूरा का पूरा सूर्य से लेकर के वो तारागण, सब कुछ, हर वस्तु रंग से भर दी गई। परमात्मा कितना कलाकार है। इस प्रकृति से मानव सीख करके, कहां से शुरू हुआ ये वस्त्रों का खेल, रंगों का खेल, इस प्रकृति से मानव ने सीखा। और जब प्रकृति के नजदीक गया, हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने वस्त्रों की खोज की, कोई सफेद वस्त्र धारण करते थे, कोई गेरवे वस्त्र धारण करते थे, कोई लाल वस्त्र धारण करते थे, कोई काले वस्त्र धारण करते थे। वो ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही डाल लिए वस्त्र और निकल लिए, वो बहुत खोजने वाले इंसान थे। वो प्रकृति और शरीर तत्व और उस एनर्जी, इनका सबका तालमेल बनाते हुए एक एक काम करते थे। इतने बड़े बड़े हमारे पंथ हैं, सबके अलग अलग ड्रेस कोड हैं, अलग अलग वस्त्र क्यों पहनते हैं वो लोग? क्योंकि जहां से वो पंथ शुरू हुए, उनके जो साधक, जो सिद्ध हुए, वो अंदर में ध्यान के अंदर गए, उन्होंने अनुभव किया। क्योंकि कुंडली की जो ऊर्जा होती है, उनकी जो चक्कर होती है, उनमें अलग अलग लाल, नारंगी, पीला, आसमानी, अलग अलग कलर चमकने लगते, सफेद दिखाई देने लगते। आज भी लोग सफेद को शांति का प्रतीक मानते हैं, गेरवे को वैराग्य का प्रतीक मानते हैं, ऐसे ही नहीं मानते। क्योंकि वो अंदर में गए, उनकी खोज की, उन्होंने जाना कि ये तालमेल, पहले वस्त्र नहीं पहनते थे ना, पत्ते लपेटते थे, छाल लपेटते थे, जो जैसा मिला वैसा डाल लिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इसके ऊपर भी रिसर्च हुई, खोज हुई, आज भी खोज हो रही है सूर्य के ऊपर, कि सूर्य सात रंग के, सुनते थे कि सूर्य के सात घोड़े हैं, सात अश्व हैं। वो सात अश्व का अर्थ ये था कि वो सात अलग अलग रंग के, ये साबित कर दिया साइंस ने, विज्ञान ने। आज विज्ञान खोज रहा है कि वस्त्र कैसे डालने चाहिए, जो हमारे ऋषि मुनि थे उनसे तालमेल करने की कोशिश कर रहा है कि गर्मी के अंदर काले वस्त्र नहीं डालने चाहिए, सफेद वस्त्र डालने चाहिए। क्यों डालने चाहिए? इस हल्के से वस्त्र से क्या फर्क पड़ेगा शरीर के ऊपर? है ही क्या ये, क्या फर्क पड़ेगा? ये वो अलग सिद्धों की वो अलग बात है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पहनो ना पहनो, डालो ना, वो अलग मैटर ही अलग है। लेकिन जो साधारण जो जीव है, उनके ऊपर, जीवन के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता। कई एस्ट्रोलॉजर जो बोलते हैं, आज आप बाहर जा रहे हैं रेड कलर का रुमाल रखना, आज आप जा रहे हैं ग्रीन कलर की बेल्ट लगाना, आज आप जा रहे हैं येलो कलर की शर्ट पहनना, आज आप डाल जा रहे हो व्हाइट कलर के कपड़े, डाले बगैर बाहर मत निकलना। उन्होंने कोशिश की एनर्जी को कन्वर्ट करने की,
कि नेगेटिव एनर्जी को कैसे तोड़ा जाए, कैसे उसको प्रभावित किया जाए छोटी छोटी वस्तुओं के द्वारा, केवल वस्त्र मात्र से उसके ऊपर कैसे इफेक्ट किया जाए। वो इतनी बड़ी एनर्जी का सोर्स नहीं है उनके पास कि देखेंगे प्रभावित कर देंगे, आपकी ऊर्जा को तोड़ करके पॉजिटिव कर देंगे, उनके अंदर इतनी अक्षमता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, आपको छोटी छोटी चीजें सिखाएंगे ताकि आप उसमें अपने जीवन में ढालो और इसका प्रभाव हो जाए, प्रभाव हो भी जाता है। ये जो ऊर्जा होती है ये बदली भी जाती है। जो आप ये आंखें देख रहे हैं ना, ये परमात्मा ने इस प्रकार से तैयार की है, लगभग 572 मेगापिक्सल का कैमरा इनके अंदर फिट कर दिया गया है, और वो इतना बड़ा कैमरा, और फिर इनके अंदर नाड़ी तंत्र, पुतलियां, कपड़े की दुकान के अंदर जाओ हजारों कलर के, एक व्हाइट कलर मांगोगे ना सैकड़ों व्हाइट कलर आपके सामने डाल देंगे कि ये सैकड़ों हैं, आप देख लो क्या चाहिए। साइंस ने तो एक खोज और कर दी, महिलाओं की जो आंखें होती हैं वो ज्यादा रंगों को पहचानती है, बहुत ज्यादा रंगों को, पुरुष इतने रंगों को नहीं पहचान पाता। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं, ये साइंस बोल रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। गर्मी के अंदर आप हल्के कपड़े डालते हो, अलग कलर के डालते हो, सर्दी के अंदर गहरे कलर के डालते हो। ये हमारे पूर्वजों की खोज है जिसका हमें बिना मेहनत के लाभ मिल रहा है, और बिना प्रयास के हमें उस ओर जाना पड़ रहा है कि प्रयास भी नहीं किया, कुछ मेहनत भी नहीं लगी, कुछ कोशिश भी नहीं की, और हमें उसका यानी बैठे बिठाए आपको लड्डू खाने को मिल रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा परमात्मा के साथ भी जोड़ दें, थोड़ा सा ध्यान के साथ भी जोड़ दें, हमारे देवताओं के देखो अलग अलग प्रकार के वस्त्र हैं, क्यों हैं, अलग अलग वस्त्र धारण करते हैं, क्यों करते हैं, वो इसीलिए करते हैं, उनके लोक की अलग अलग ड्रेस कोड है, अलग अलग कलर है। तो जब वहां भी इस प्रकार का सिस्टम है तो यहां भी है, तो इसका बहुत महत्व रहता है जीवन में। अगर गर्मी का टाइम हो आप काले कपड़े डाल लो, कितनी ज्यादा गर्मी इफेक्ट करेगी आपको। जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो ये देखते थे कि अब हमें किसकी जरूरत है, उसी के अनुसार वस्त्र डालते थे कि वो उसकी साधना में सहायक हो, साधना में मदद कर सके, और वो एनर्जी जो लेवल जो अप डाउन होता है उसको बैलेंस किया जा सके। तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो बैलेंस है, जो शरीर का खेल है, इसको अच्छे से मैनेज किया जा सके, इसलिए ये इतने कलरों के कपड़े, इतने रंगों के कपड़े बहुत जरूरी हो जाते हैं। जिस प्रकार से प्रकृति के अंदर अलग अलग कलर के फूल होते हैं, क्या प्रकृति केवल हरी दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, कहीं से ब्लैक, कहीं से गुलाबी, कहीं से सफेद, कहीं से ग्रीन, अलग अलग कलर रंग से भरी हुई दिखाई देगी। तो उसी प्रकार से ये साइंस जो हमारे ऋषि मुनियों ने खोज की है, उसका आपको लाभ उठाते हुए थोड़ा सा ध्यान की तरफ, नाम की तरफ भी बढ़ना चाहिए।